बचपन में मुझे स्कूल जाना कभी पसंद नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं उसे इस चीज से क्यों गुजारूं। 15 साल की उम्र में जब उसने 10वीं की परीक्षा पास की, तब मैंने उसे औपचारिक शिक्षा से निकाल लिया। और फिर उसने कहा, आप सबको इतनी सारी चीजें सिखा रहे हैं, पर आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहे। मैंने कहा, तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है, मेरे पास बहुत काम था तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं, हमारा अपना बच्चा होना चाहिए। पर मेरी पत्नी ने कहा, कम से कम एक। मैंने कहा, ठीक है, एक, सिर्फ एक। तो ऐसा हुआ, और जब वो छोटी थी, 3-3.5 महीने की, तब से मैं पूरे दक्षिण भारत में ड्राइव करता था। वो मेरी कार की आगे की सीट पर बंधी रहती थी, मैं अकेला कार चलाता था, मेरा एक हाथ यहां, एक हाथ स्टेयरिंग व्हील पर। ये वो समय था जब हम ईशा फाउंडेशन बना रहे थे, तो मैं बहुत ज्यादा यात्रा करता था, और वो मेरे साथ रहती थी जब वो 3.5 महीने की शिशु थी। तो पहले 4 साल वो मेरे साथ कार में बड़ी हुई और कई लोगों के घरों में भी, इसलिए वो हजारों लोगों से मिली और उसने सीखा कि किसी भी घर का हिस्सा कैसे बना जाता है। कहीं भी, चाहे वो दुनिया का सबसे समृद्ध घर हो या एक आदिवासी का घर हो, मैं जहां कहीं भी रहा, मैंने पक्का किया कि उसका हर चीज से सामना हो। मैं नहीं चाहता था कि उसमें पूर्व धारणा की भावना विकसित हो, पसंद नापसंद कि कहां रहना है और कहां नहीं रहना है। और जब तक वो 3 साल की हुई, वो कम से कम 1000 लोगों को नाम से जानती थी, जिन्हें वो अपना दोस्त मानती थी। वे निश्चित रूप से उसकी उम्र के नहीं थे, सभी बड़ी उम्र के थे, तो जबरदस्त रूप से लोगों से सामना होता था। और मैंने सोचा कि मैं उसे स्कूल नहीं भेजूंगा, क्योंकि मुझे स्कूल जाना कभी पसंद नहीं था जब मैं छोटा था। तो मैंने सोचा कि मैं उसे क्यों इस चीज से गुजारूं। फिर जो इकलौती चीज जो मैं उसे उपलब्ध नहीं करा पाया, वो थे उसके हम उम्र के बच्चे। तो मैंने उसे ऐसे स्कूल में भेजा जहां ज्यादा कॉम्पिटिशन और ज्यादा दबाव नहीं था। इसलिए मैंने ऐसा स्कूल ढूंढा जिसे जे कृष्णमूर्ति द्वारा शुरू किया गया था, और मैंने उसे वहां भेजा ताकि चीजें आसान हो। और मैंने उनसे कहा, तुम मेरी लड़की पर सख्ती मत करना, क्योंकि मैं उसके रिपोर्ट कार्ड की ओर नहीं देखने वाला। मैं नहीं पूछने वाला कि तुम्हारी रैंक क्या आई है, मैं नहीं पूछने वाला कि तुम क्या बनोगी। तो आपको उसके अंकों और उसकी शिक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो खेलती है, अगर वो अच्छी तरह खाती है, तो मैं खुश हूं। वो बढ़ रही है, उसे अच्छे से खाना चाहिए। अगर वो अच्छे से खेलती है, अगर वो हंसती है, गाती है और नाचती है, तो मैं खुश हूं। मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो हर टेस्ट में मैं एक सा था। मुझे हमेशा 6-0 मिलते थे, क्योंकि मैंने किसी भी पन्ने पर एक भी शब्द नहीं लिखा। अगर वे जोर देते तो मैं अपना नाम लिख देता, नहीं तो मैं नहीं लिखता था। और फिर अंतिम परीक्षा होती थी, तब मैं सिर्फ 35 नंबरों के लिए मेहनत करता था, और मुझे हमेशा 35-36 ही मिलते थे। मैं हिसाब लगाता था, मैं 30 मिनट से ज्यादा कभी परीक्षा हॉल में नहीं बैठा, पहली घंटी और मैं हमेशा बाहर। मैं बस यही हिसाब लगाता था कि अपने दोस्तों के साथ अगली क्लास में जाने के लिए क्या करना होगा, और मैं बस वही करता था। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये सब कुछ मैंने बचपन में देखा था। जब हर महीने रिपोर्ट कार्ड आता था, तो क्लास में कुछ बच्चे रोते थे, क्योंकि उनके उतने नंबर नहीं आते थे जितने उनके शेर माता पिता चाहते थे, और कुछ गर्व से घूम रहे होते थे, क्योंकि वो पहले या दूसरे स्थान पर आए होते थे। जब भी टीचर मुझे कार्ड देते, ये रिपोर्ट वाली चीज, मैं बस उसे लेता और अपने पिता को दे देता। मैंने कभी खोलकर नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगता था कि ये टीचर और मेरे पिता के बीच की बात है। मैं दखल देकर नहीं देखना चाहता था कि क्या चल रहा है। तो मैंने खास तौर पर स्कूल के प्रिंसिपल से दरखास्त की, मेरी बेटी की शिक्षा के बारे में चिंता मत कीजिए, मैं चाहता हूं कि वो बस अपनी उम्र के बच्चों के साथ रहे, वो अच्छी तरह खाए, बस इतना सुनिश्चित कीजिए कि वो अच्छी तरह खाए, यही मेरी चिंता है। वो अच्छे से खाती है, खेलती है, हंसती है, उछलती है और नाचती है, तो मैं खुश हूं। तो जब वो 15 की हो गई और 10वीं की परीक्षा पास की, मैंने उसे औपचारिक शिक्षा से निकाल लिया, और क्योंकि ये उसकी माँ का सपना था और मेरी बेटी की भी बहुत रुचि थी, तो मैंने उसे नृत्य सीखने के लिए भेज दिया। वो भरतनाट्यम सीखने लगी और अब वो देश के उभरते कलाकारों में से एक है। तो मैंने कभी उसे एक बच्ची नहीं माना, पहली बात। 2 साल की उम्र से, जब से वो बोलने लगी, मैंने हमेशा उसे बराबर माना, एक बड़ी उम्र के व्यक्ति की तरह। आप जानते हैं, हम ईशा फाउंडेशन तैयार कर रहे थे, ये स्वयं सेवकों द्वारा चलाया जाता है। स्वयं सेवक का अर्थ है, हम अलग अलग काम करते हैं,
हम दुनिया भर में बिजनेस और बड़े प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। उनमें से सिर्फ कुछ टीचर प्रशिक्षित हैं, बाकी कोई भी अपने काम के लिए प्रशिक्षित नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं इंतजार नहीं कर सकता और आईआईटी या आईआईएम या ऐसी जगह से किसी को नहीं चुन सकता। वे जिन्हें आप सभी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, शायद वे मेरे पास आते हैं। जो भी आता है मैं उन्हें ले लेता हूं और इस काम उस काम हर तरह के काम में लगा देता हूं। तो जो काम एक शब्द में किया जा सकता है मुझे 100 शब्द बोलने पड़ते हैं उन्हें समझाने के लिए, ताकि वे काम करते रहें, प्रतिबद्ध रहें, ताकि काम आगे बढ़े। और क्योंकि वे स्वयंसेवक हैं आप उन्हें निकाल नहीं सकते। जो भी हो आप उन्हें अकुशलता या किसी वजह से निकाल नहीं सकते। इसलिए संगठन में मैनेजमेंट में जो भी समस्याएं होती, लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं, व्यस्क समस्याएं, हर तरह की समस्याएं, मैं कभी भी उसे एक समस्या देता और कहता इसका क्या करें। वो अद्भुत और सरलता से भरपूर समाधान निकालती, कभी कभी सटीक समाधान, कभी कभी कुछ निराला। 12 साल की उम्र के आसपास एक दिन वो घर आई और वो किसी चीज को लेकर परेशान थी और उसने स्कूल में देखा था। और तब उसने कहा, आप सभी को इतनी सारी चीजें सिखा रहे हैं लेकिन मुझे कुछ नहीं सिखा रहे। मैंने कहा, देखो मुझे बिना कहे कुछ भी सिखाने के लिए नहीं जाना जाता। अब तुम खुद आई हो तो बैठ जाओ। सर, दिस इज ऑल यू नीड टू नो, यू नेवर लुक अप टू एनीबॉडी। मैंने कहा, तुम्हें बस यही जानने की जरूरत है, किसी को ऊंचा मत मानना। भौहें तन गई, आपको भी नहीं। मैंने कहा, खास तौर से मुझे, क्योंकि जो मैं हूं उसका महत्व तभी है जब तुम मुझे वैसा ही देखो जैसा मैं हूं। अगर तुम मुझे ऊंचा मानोगी तो तुम मुझे दीवार पर टांग दोगी और शायद धूप जलाओगी या मुझ पर माला डाल दोगी और मेरे बारे में भूल जाओगी। इससे तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तुम्हें मुझे वैसे ही देखना चाहिए जैसा मैं हूं। मुझे बस वैसा ही देखो जैसा मैं हूं, फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत महत्व का हूं। पर अगर तुम मुझे ऊंचा मानोगी तो तुम इससे चूक जाओगी। इसलिए कभी किसी को ऊंचा मत समझना, कभी किसी को नीचा मत समझना। अगर तुम ये एक चीज करती हो तो तुम हर चीज को वैसी ही देखोगी जैसी वो है। जब तुम चीजों को वैसी ही देखोगी जैसी वे हैं, सिर्फ तभी तुम सहजता से आगे बढ़ सकोगी, है ना? ऐसा ही जीवन के साथ भी है। जब तुम हर चीज को वैसी ही देखोगी जैसी वे है, सिर्फ तभी तुम जीवन में आसानी से आगे बढ़ सकोगी। आपको अपने बच्चों को सिर्फ यही काबिलियत देनी है। तो मैंने हमेशा उसके साथ बड़ों जैसा बर्ताव किया, कभी खुद को उससे ऊपर रखने की कोशिश नहीं की। मैंने यही बुनियादी परवरिश की कि उसे ना तो किसी को ऊंचा मानने की जरूरत है और ना ही किसी को नीचा मानने की जरूरत। बस हर चीज को वैसे ही देखो जैसी वो है। बस जीवन को वैसे देखना सीखना जैसा वो है। ऊंचा समझना एक झूठ है, नीचा समझना एक झूठ है। ऊंचा देखना एक तरह की पूर्व धारणा से होता है, नीचा देखना भी एक पूर्व धारणा से होता है। जीवन का हर रूप, हर चीज, चाहे वो जो भी हो, उसे आदर देने की काबिलियत होना, यही हमारी संस्कृति है। मैं चाहता हूं आप इसे समझें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज है। अगर कोई कागज भी हो, जब हम बड़े हो रहे थे तो एक कागज पर भी पैर नहीं रख सकते थे। हाँ हाँ या ना? आप में से कई लोग इसी तरह अपने घरों में बड़े हुए हैं। बस एक छपा हुआ कागज, ये कुछ नहीं है। हो सकता है समाचार रद्दी हो, पर आप उस पर कदम नहीं रख सकते क्योंकि आप खुद को उसके जरिए शिक्षित करते हैं। अगर आप धरती पर पैर रखना चाहते हैं तो आप उसके आगे झुकते हैं। आप किसी चीज को ऊंचा नहीं मानते या किसी चीज को नीचा नहीं मानते। जो आप अपने भगवान के साथ करते हैं वही आप सबके साथ करते हैं। ये किसी सांस्कृतिक या धार्मिक तरीके से ना बताते हुए मैंने बस इसे उसके जीवन में उभारा और मुझे लगता है इसने शानदार तरीके से काम किया है।